पुलिस ने भैरवस्थान थाना क्षेत्र में बीते बुधवार को गला रेत कर हुई मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई व जांच कर मृतक मासूम की पत्नी, उसका प्रेमी सोनू, सास ससुर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मासूम की पत्नी, 3 बच्चे की मां जसीमा खातून का प्रेम प्रसंग भैरवस्थान थाना क्षेत्र में रहने वाले मौसेरे भाई सोनू से चल रहा था। सोनू इसका लगातार विरोध करता था, जो मंगलवार की रात्रि सोनू को भारी पड़ गया और प्रेमी व अन्य के साथ मिलकर गला रेत कर मासूम की हत्या कर भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मेहत गाँव में एनएस किनारे फेंक दिया। डीएसपी आशीष आनंद ने कहा कि सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, सभी को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न्यायालय से सजा दिलाने की अपील की जाएगी। कहानी यह है, यह अपने इनका ससुराल, ये भगवतीपुर के रहने वाले थे और इनका ससुराल कन्हौली झंझारपुर था और इलिसिट रिलेशन के चलते यह सारा घटना को अंजाम दिया गया। एक सोनू नाम का व्यक्ति जो मृतक की पत्नी से अवैध संबंध रखता था और मृतक उनकी पत्नी 20-25 दिन पहले ही यह प्रोग्राम बनाई थी, जो कि उनकी माँ को भी पता था, मृतक के सास को भी पता था और इसको मारने का प्लान किया गया था। उचित मौका देख करके सोनू अपने 3 सहपाठी और महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया, और जबकि महिला 3 बच्चे की माँ भी है और सारा कहानी हम लोग कल पूछताछ भी किए, कन्फर्म भी किया गया और इसके साथ साथ उसके बताए गए स्थान पर जो काटने में प्रयुक्त किया गया चाकू, जो कि आपके सामने है, और उस जो मृतक था उसका लोअर और जो सोनू जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा काटा भी गया और उसका भी जो कपड़ा यूज पहन करके काटा गया था वो भी रिकवरी की गई है। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल की भी पहचान हो गई है, बहुत जल्दी वो भी रिकवरी हो जाएगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।